एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई डाई लेकर आई हूँ जो बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जो जो हर्ब्स मैंने ली हैं, ये बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपके बालों को अच्छा असर करेंगी। और इसमें जितनी भी हर्ब्स हैं, इनका सबका एक अपना अलग अलग काम है। कोई आपके बालों को लंबा करेगी, तो कोई काला करेगी, कोई गिरने से रोकेगी, कोई बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगी, और कोई आपके बालों को बहुत ज्यादा थिक बनाएगी, और साथ में आपके बालों को बहुत ज्यादा इतना सॉफ्ट बनाएगी और इतना ज्यादा सिल्की बनाएगी, और साथ में आपके बालों को बहुत ही पक्का कलर देगी। तो ये जितनी भी हर्ब्स हैं जो मैंने ली है, इनका एक मैंने पाउडर बना करके उसको रात भर इसको कढ़ाई में डाल करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो ये इसका पानी है, और इसको मैंने 3-4 दिन तक रखा हुआ था। तो अभी मैं इसमें मैं और इसमें मैंने साथ में एलोवेरा जेल भी डाला है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए, मेरा एलोवेरा जेल है, मैंने इसमें डाल चुकी हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल डाल करके ही मैंने इसको बॉईल किया है। तो उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें अब ये बहुत ज़्यादा पानी डार्क हो गया है, इसमें मैं अब थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब हींगना डालूंगी। और ये डाई बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये देखिए, अभी मैंने 5-6 दिन इस पानी को रखा कम से कम, क्योंकि जब ये पानी खुद इतना ज़्यादा डार्क हो गया है कि अगर आप इस पानी को सिंपल ऐसे भी बालों में लगाओगे, तो ये पानी खुद से ही अपना इतना ज़्यादा बाल आपके बिना मेहंदी के ही इतना अच्छा कलर देगा, बालों में डार्क बना देगा। तो साथ में अब ये क्या है, मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसमें 2 चम्मच के करीब मेहंदी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये पानी ऑलरेडी इतना ज्यादा डार्क हो गया है। तो इसके बाद मैं इसमें देखिए डालने वाली हूँ, देखिए इसको मुझे बहुत अच्छे से, इसका बहुत ही बारीक एकदम स्मूथ पेस्ट बना, क्योंकि ये देखिए, एक तो जिसमें ये मेहंदी के जो रह जाते हैं ना सूखे सूखे, तो ये बालों में जा करके बहुत फंस जाते हैं। तो उसको आपको बहुत देर तक ऐसे ऐसे आपको पूरा चलाना है, जिससे कि इसमें मेहंदी के आपको मेहंदी थोड़ी भी ना इसमें दिखाई दे। तो उसके बाद ये देखिए, अभी मेहंदी जबकि मैंने अभी अभी आपके सामने ही इसमें डाली है, और आप अपने सामने देखिए, अभी उसमें कुछ मतलब मिनट भी नहीं हुए हैं, तो आप देखिए ये डाई आपकी कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है, इतनी ज़्यादा ये डार्क हो गई है। अब आप सोचिए कि मैंने हफ्ता, मेरे ख्याल से 5-6 दिन से मैंने रखा हुआ था इस पानी को, तो क्योंकि मैं देख रही थी कि मैं अगर इसको ऐसे लगाऊंगी तो ये बालों में कितना ज़्यादा असर करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा 5-6 दिन से रखा हुआ था, और मैंने इसको, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने बहुत सारे पानी में इसको बॉयल किया था, और जब पानी कम से कम भी 4 या 5 गिलास पानी था, और ये जब ये आधा गिलास से भी कम पानी रह गया, मैंने तब इसको गैस को बंद किया, और ठंडा होने के बाद इसमें एलोवेरा जेल डाला है, और एलोवेरा जेल जब भी बिल्कुल ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसमें मेहंदी डाली है। और ये देखिए, ये इंस्टेंट हेयर डाई है, आप इसको क्या है, इसको आपको बहुत दिन पहले भूनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पानी को आप ऐसे इसमें हर्ब्स डाल करके ऐसे ही रख दीजिए, जब आपको मेहंदी लगानी हो तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल कीजिए और उसको ठंडा कीजिए, और एलोवेरा जेल डालिए और उसमें मेहंदी डाल करके इसको तुरंत लगा लीजिए आप। तो देखिए, अभी जितनी मेहंदी आपकी 2-3 4 दिन के बाद डार्क होती है, उतनी आपकी एकदम से डार्क हो गई है। तो ये इतनी ज़्यादा आपकी डाई अच्छी है, इतने ज़्यादा आपके बालों को काला कर देगी कलर, ये इतना ज़्यादा डार्क कलर देगी कि आपको एकदम से बालों को बहुत अच्छा कलर देगी डाई। और इसमें जो जो हर्ब्स डाली है मैंने, इसमें कोई हर्ब्स ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। तो कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो बालों को लंबा करती हैं, ये डाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके बाल बहुत छोटे हैं और चाहते हैं कि लंबे हो जाएं, और साथ में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत कम है और जिनके बाल बहुत ज़्यादा व्हाइट होते हैं। तो ये क्या है, मैंने इसमें जो हर्ब्स डाली है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ब्लैक बनाएगी, साथ में जो कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके बालों को व्हाइट नहीं होने देगी आगे से। तो उससे क्या होगा कि अभी तक आपके बाल जो व्हाइट हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं, लेकिन आगे से आपके बाल व्हाइट नहीं होंगे, और जिन लोगों के बाल गिरते रहते हैं, तो वो जब अगली बार आपके बाल आएंगे नए, तो वो ब्लैक आएंगे, क्योंकि जो जो हर्ब्स मैंने डाली हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और उसको मैंने उस तरीके से डाई में रेडी किया है डाल करके कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपके बालों को डबल इफेक्ट करेंगे। तो इस डाई को अगर आप ऐसे यूज करोगे बालों में, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी डाई है, और बहुत ज्यादा बालों को अच्छा कलर देती है, डार्क कलर देती है, और इसको आप एकदम लगा सकते हो, और इसको ज्यादा देर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको 1 घंटा लगाओगे तो काफी है, जबकि डाई को तो आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप हीना लगाते हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो जरूर रखिए, लेकिन आप उसको 1 घंटा भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा डार्क हो गई है
तो आपके बालों को इतना ज्यादा अच्छे से कलर देगी, ब्लैक बनाएगी, आपके बालों को रेड भी नहीं करेगी, बिल्कुल ब्लैक बनाएगी एकदम से। तब आप अगर आप एक ही बारी में लगाओगे और आप कहोगे बाल ब्लैक नहीं हुए हैं, तो एक बारी में नहीं होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होंगे। अब जिनके बाल ब्लैक हैं, कहीं कहीं व्हाइट हैं, उनके तो एकदम से ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके कहीं हैं कहीं व्हाइट ज्यादा नहीं है। पर जिनके बिल्कुल टोटली व्हाइट बाल हैं, वो एक बारी में सोचेगा कि ब्लैक हो जाए, तो वो नहीं होंगे। उसको आपको कम से कम भी इसको 4 से 5 बार लगाना पड़ेगा, और ये उसके बाद आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी डाई है, बहुत ही इफेक्टिव डाई है। और इसमें मैंने जो हर्ब्स ली हैं वो 5 6 7 हर्ब्स ली है मैंने इसमें, तो वो बालों के लिए सारी, जबकि मैं एक या दो से तीन दो एक दो तीन हर्ब्स लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारी हर्ब्स डाली हैं बालों के लिए। कम से कम भी 13 14 हर्ब्स होती हैं सारी, और सबके अपने अलग अलग काम होते हैं, तो किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है। और लेकिन जो हर्ब्स मैंने डाली हैं वो बालों की आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगी। जिनके बाल व्हाइट हैं, जिनके बाल लंबे नहीं होते हैं, जिनके बाल पतले हैं, जिनके बालों में जिनके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, और जिनके बाल शाइन नहीं करते हैं, तो जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले होने के बाद बाल बहुत ज्यादा एकदम थोड़े डैमेज टाइप के लगते हैं, जैसे कलर वाले बाल जो होते हैं, वो जैसे आप केमिकल वाले कलर यूज करते हो तो बड़े अजीब टाइप के हो जाते हैं वो, तो वो ये उन सब बालों को ये रिपेयर करेगा साथ में। डाई आपके बालों को कलर तो देगी, साथ में उनको रिपेयर भी करेगी, आपके बाल जो खराब हैं। और ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा एज के बाद भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि इसको ज्यादा देर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये डाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए, और इसको ट्राई जरूर कीजिए। और मैं जितनी भी हर्ब्स है मैं सबके नाम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो लोग पूछते हैं कि आपकी वॉल्यूम बहुत कम है, कभी कभी मैं थक जाती हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं इतना धीरे से बोल रही हूँ, और मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद की वीडियो देखती हूँ, लेकिन मैं बना चुकी होती हूँ तब तक, तो मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके बना पाती हूँ। उसके बाद जब मैं चेक करती हूँ, मुझे लगता है हाँ मेरी वॉल्यूम थोड़ी कम है, जबकि मैं अपने हिसाब से बहुत तेज बोलती हूँ, लेकिन मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे तेज बोलने के बाद भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतना ज्यादा तेज बोल रही हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरी वॉल्यूम वीडियो में कम लगे तो मैं उसमें हर्ब्स भी आपको दिखाती हूँ, तो और उसके नाम भी मैं, जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं बिल्कुल उसके नाम भी आपको बताती हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम लिख दूंगी। अब पहले मैं लिखती थी, लेकिन अभी फिर मैंने बीच में बंद भी कर दिया, क्योंकि मैं बताने लगी थी सब कुछ, तो लेकिन मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। और लोग पूछते हैं कि आप जो जो हर्ब्स डालती हो तो उनके नाम क्या है, देखिए मुझे जितने नाम पता होता है मैं उतने बता देती हूँ, उससे ज्यादा मुझे भी पता नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जो दुकान से जाकर के बोल के लाती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो मुझे दे देते हैं उसी नाम से, तो इसलिए मुझे दूसरा नाम जानने की जरूरत होती ही नहीं है। पर जो जो हर्ब्स आपको लगता है कि नहीं आपको इजिली अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आजकल सब चीज ऑनलाइन मिलती है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे और आपको हर्ब्स का नाम डालोगे तो उसमें एकदम आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन ये कौन सी साइट पर जाकर के मिल जाएगी, तो आप उसको बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर वाले हो। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि इंडिया में मिलेगी, बाहर फॉरेन में कहां पर मिलेगी, तो वो उसका तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आजकल सब जगह मिल जाती है, तो आप इस ऑनलाइन आप हर चीज मिल जाती है आपको, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, तो आप सर्च करके देखिए, आपको डेफिनेटली जितनी भी हब्स हैं आपको सब मिल जाएंगी, और जो नाम मैं बता रही हूँ उसी नाम से मिल जाएंगी आपको वो। तो इसीलिए आपको कोई ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर मिलेगी। जो लोग ऐसे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपको हर्ब्स स्टोर नहीं है, तो वो ऑनलाइन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।